शक्ति की आपकी फेवरेट सुरभि यानी कि रोशनी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। वेलकम टू सैगलॉ सिनेमा। थैंक यू सो मच। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी ज्वेलरी के पिटारे में क्या क्या है। सो यहाँ आप देख सकते हैं मेरी ज्वेलरी पड़ी हुई है पूरी। ऐसा हम कह सकते हैं कि ये होता है एक्चुअल सुरभि का लुक, चूड़ा, मंगलसूत्र और इयररिंग्स। या इसमें भी बहुत हैवी कुछ नहीं है या बहुत अलग कुछ नहीं है, नॉर्मल हर लड़की पहनती है ये शादी के बाद। चूड़ा तो पंजाबियों में रहते ही है जैसे आप सबको पता ही है। बट वेल मेरे को मुझे मंगलसूत्र के काफ़ी ऑप्शन आए थे बट इनमें से मुझे कोई भी पसंद आया नहीं था। सो अभी फ़िलहाल आप लोगों को पता ही है जैसे सीन्स में हमारे मंगलसूत्र बहुत बदलते हैं, कभी मेरे गले में होता है तो कभी सौम्या के गले में होता है। अभी फ़िलहाल सौम्या के गले में है मेरा मंगलसूत्र, यहाँ नहीं है। तो आपको बाकी की ज्वेलरी से मैं रूबरू करवाती हूँ। ये है मेरे कुछ इयररिंग्स जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। आपकी फेवरेट कौन सी है? मेरी फेवरेट दिस वन, ये दो मेरे फेवरेट हैं बिकॉज एक तो नॉट, मैं ये कहूँगी कि बहुत अलग नहीं है बट बहुत क्यूट है, ये बहुत स्वीट सा लगता है और आजकल बहुत फैशन में भी हैं ये चीज़ें। तो ये मुझे मेरा फेवरेट है, वन ऑफ द फेवरेट ये। और ऐसा ही सेम इसके साथ साथ अभी एक और आया है मेरे पास, ये नाइस, ये भी प्यारा लग रहा है। सो ये ऐसी ज्वेलरी मुझे बहुत पसंद है जिसमें तो थोड़े से ईयर कफ्स टाइप्स हों, ये बहुत प्यारा है। अरे पूछो मत, मेरी शादी के जोड़े में जो मेरा मांग टीका था वो एक्चुअल में मैं आपको बता दूं तो वो मेरा एक बहुत भारी सा इयररिंग और मेरी पायलों को मिलाकर बनाया गया था। सो बट वो बहुत खूबसूरत लग रहा था जब मैंने पहना, तो वैसे मैंने जुगाड़ करके बनाया था वो। आप मुझे रियल लाइफ में देखेंगे तो मैं कोई एक्सेसरी नहीं पहनती हूँ एक्सेप्ट दिस रिंग, यस। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं पहनती हूँ ज्वेलरी में। मेरे रिंग्स देख सकते हैं आप, ये वन ऑफ माई फेवरेट रिंग है इन दोनों में से। सो ये, और मुझे डायमंड और सिल्वर का कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है एंड सिंपल, क्लासी, एलिगेंट, सो इसीलिए मैंने ये लिया था। तो ये मेरी ऐसे मुझे इसीलिए बहुत पसंद है और मैं कभी नहीं उतारती हूँ। सो इट्स क्लोज टू माई हार्ट। ओके, रिंग की बात की, गले में चेन और लॉकेट भी है वो भी ये मैंने अभी पहना है बिकॉज ये मेरी मॉम ने मुझे बना कर दिया है। बहुत ब्यूटीफुल सा सिंपल है, ऐसी सिंपल क्यूट सी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। जैसे सिल्वर और डायमंड का मैंने कॉम्बिनेशन आपको बताया, मुझे बहुत पसंद है। ये गोल्ड का मेरे मॉम ने मुझे बना के दिया है तो ये बहुत ही क्यूट और सिंपल सा था इसीलिए मैंने इसे पहना है और अभी शादी के बाद के सीन्स में ही मैंने इसे कंटिन्यू रखा है। सो येस, वन ऑफ दिस ऑल्सो मैं अब ये वेयर करती हूँ नॉर्मली। इन सारी ज्वेलरी कलेक्शन में आपका पर्सनलाइज का भी कलेक्शन आपने बनाया है? बनाया है बट वो क्या प्रॉब्लम होता है कि आप पर्सनलाइज में आ जाते हो फिर आप कंटिन्यूटी में फंस जाते हो, वहाँ बहुत पंगा हो जाता है। तो फिर समटाइम्स आपको घर पे जब उसकी ज़रूरत होती है तो फिर वो तो यहाँ पड़ा होता है कंटिन्यूटी में फंसा हुआ है सीन में, तो मैं अवॉइड करती हूँ कि मेरी पर्सनल ज्वेलरी यहाँ पर आए बिकॉज एक बार फंस गए कंटिन्यूटी में तो फंस गए एंड फिर वो जब भी आपको वो कॉस्ट्यूम पहनना होगा वो ज्वेलरी चाहिए ही चाहिए। सो आई यूजुअली अवॉइड दैट थिंग। सो ये सब मेरी पसंद की मंगाई हुई चीज़ें हैं। वेल मैं अपने व्यूवर्स को सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि प्लीज़ शक्ति देखते रहिए और आई होप आप लोगों को जैसे पसंद आ रहा है आप ऐसे ही पसंद करते रहेंगे हमारे शो को। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड द एक्टर नॉट द कैरेक्टर। आप लोग कैरेक्टर से प्यार करने लग जाते हैं, आप एक्टर को जानने की कोशिश कीजिए कि वो कैसा है। एंड थैंक यू सो मच शक्ति को इतना पसंद करने के लिए। थैंक यू।